नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के फारिगुल तहसील नामवर आर्टिस्ट महबूब अली वुडकट वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग में ही नुमाया मुकाम नहीं रखते बल्कि कदीम तहजीब और अपनी सकाफत के एक नुमाइंदा फनकार हैं। इनके फनपारों की पहली सोलो नुमाइश 1986 में अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में हुई, जहां फनशनास लोगों ने इनकी इस कदर पजीराई की कि वतन अजीज में इनकी 22वीं नुमाइश नारंग गैलरी में आज भी कदरदानों की खसूसी तवज्जो का बाइस बनी है। जिन तीन शोबों का महबूब अली ने इंतखाब किया, इनमें अनथक मेहनत करके अपना मुकाम बनाया। यही वजह है कि इनके शाहकार हर नुमाइश में दादो तहसीन हासिल करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल में भी इनका काम देखा है और वाटर कलर में भी, तो ये बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनर सिटी को ज़्यादातर शो किया है, जो कि हमारा कल्चर है, हमारी रूट्स हैं, और उसने लाइट इफेक्ट जो हैं वो उसने बहुत अच्छे दिए हैं। इनर सिटी की जो लाइट्स है कि नज़र आता है कि बिल्डिंग ऊंची ऊंची हैं और उसमें शेडोज़ आ रहे हैं। उसने पिजन्स को शो किया है, जो कि हमें नज़र आता है कि पीस की अलामत है। लाहौर से इनकी वाबस्तगी भी है और जैसे ये लाहौर में रहे हैं और उसको पेंट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत पेंट करते हैं। पहले तो मैं इसको एज अ वुड कट का मास्टर जानती थी। ही हैड डन एक्सलेंट जॉब्स इन वुड कट पेंटिंग्स। उसने उसकी मेरे ख्याल 50-50, 100-100 प्लेट्स बना के, तो आई थिंक ही हैज़ मेड अ रिकॉर्ड फॉर हिमसेल्फ कि आइंदा आने वाले कई दिनों में कोई नहीं उसको ब्रेक कर सकता। लेकिन ये है कि नाउ ही हैज़ चेंज हिज मीडियम and he has gone into canvas paintings and I think it is a lot of improvement in work. In woodcut print में एक woodcut print ऐसा है जिसमें जो मैंने 100 कलर में बनाया है, जो पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों में से कोई दूसरा नहीं है, ना कोई आज तक किसी ने बनाया है, ना आज तक इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बना सकेगा, क्योंकि मैंने 10 साल इंतज़ार की है, 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हकीकत यही है कि महबूब अली ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर और वुड कट के ऐसे मुनफरिद माहिर हैं कि नेपाल, तेहरान और दुबई में होने वाली नुमाइश में भी उन्हें और उनके फनपारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अगर ये कहा जाए कि महबूब अली मुल्क का कीमती असासा है तो बेजा ना होगा। कैमरामैन मोहम्मद असगर सानी के साथ अब्बास हैदर, ए न्यूज़ लाहौर।